ऑनलाइन टीआरपी सामने आ चुकी है। जी हाँ, ऑनलाइन टीआरपी में किन 10 शोज ने जगह बनाई है ये बात रिवील हो गई है। इस हफ्ते नागिन 6 ने भी धमाकेदार एंट्री ली है और कई पॉपुलर शोज को छोड़ दिया है पीछे। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 शोज की लिस्ट के बारे में। लिस्ट में नंबर 10 के पायदान पर है द कपिल शर्मा शो और इस शो ने हासिल किए हैं 19 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 9 के पायदान पर है कलर्स टीवी पर हाल फिलहाल में रिलीज हुआ नया शो फना इश्क में मर जाऊं। जी हां, रीम शेख और जैन इमाम स्टारर ये शो नंबर 9 के पायदान पर है विद 21 रेटिंग पॉइंट्स। 8वें नंबर पर है जी टीवी का पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य जिसको मिले हैं 24 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं नंबर 7 पर है कुंडली भाग्य। जी हाँ, इस हफ्ते श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर के शो ने लोगों के दिल पर राज किया है और हासिल किए हैं 27 रेटिंग पॉइंट्स। 6th पोजीशन पर है जी टीवी का एक और पॉपुलर शो जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी। जी हाँ, एकता के इस शो ने भी कमाल कर दिखाया है और हासिल किए हैं 28 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं नंबर 5 पर भी एकता के एक और शो का दबदबा है जो कि है सोनी टीवी का पॉपुलर शो बड़े अच्छे लगते हैं 2 विद 31 रेटिंग पॉइंट्स। बात करें 4th नंबर पर आए शो की तो इस पोजीशन पर है सभी को सालों से हंसा हंसा कर लोटपोट करता आ रहा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसे मिले हैं 34 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं इस हफ्ते नंबर 3 के पायदान पर है अनुपमा शो। जी हां, जो शो अब तक ऑनलाइन टीआरपी में भी नंबर 1 पर था वो अब नंबर 3 पर है विद 41 रेटिंग पॉइंट्स। बात करें दूसरे पायदान पर आए शो की तो इस पोजीशन पर धमाकेदार एंट्री ली है एकता कपूर के हाल फिलहाल में रिलीज हुए नए शो ने जिसका नाम है नागिन 6। जी हां, पहले ही हफ्ते में नागिन 6 ने कमाल कर दिखाया है और ऑनलाइन टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। शो को मिले हैं 42 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया है ये रिश्ता क्या कहलाता है ने जिसे मिले हैं 44 रेटिंग पॉइंट्स। वेल, तो ये है इस हफ्ते के ऑनलाइन टीआरपी रिपोर्ट के 10 टीवी शोज। अगले हफ्ते देखना दिलचस्प होगा कि इस लिस्ट में कौन कौन से शोज बरकरार रहेंगे और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि 2 दिन बाद रिलीज होने वाली बाकी लिस्ट में कौन कौन से शोज बरकरार रहेंगे।